हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज प्रज्ञास किचन पर फ्राइम्स बनेंगे, वो भी बहुत ही इजी मेथड से और कम इंग्रेडिएंट से। तो आप वीडियो अंत तक देखें, अपन शुरू करते हैं। तो अपन फ्राइम बनाना शुरू करें। फ्राइम बनाए उससे पहले अपन सामग्री देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक कप पानी लिया है और हाफ कप चावल का आटा है, जो कि मैंने चावल को धोया और सुखाया, उसका फाइन पाउडर तैयार कर लिया। मेरे कप का नाप 16 टेबल स्पून के बराबर है, तो मैंने यहाँ पे हाफ कप लिया है। और 1/8 टीस्पून पापड़ खाट, जो कि इजीली मार्केट में अवेलेबल है, इसे पापड़ सोडा भी बोला जाता है। और ये 1/4 टीस्पून मैंने नमक लिया है। नमक क्योंकि अपन ऊपर मसाले के लिए भी लगाएंगे, तो नमक थोड़ा ही ले। इन सबको अपने को एक लम्स फ्री बैटर तैयार करना है। ये मैंने लम्स फ्री एकदम बैटर गोल तैयार कर लिया है। मैंने साइड बाई साइड पानी भी गर्म करने रख दिया है। मैंने एक कप गोल तैयार करने के लिए पानी काम में लिया और 1/2 कप मैंने बॉईल करने रखा है। ये पानी में उबाल आ चुका है, जो अपन ने बैटर तैयार करके रखा है वो धीरे धीरे इसमें मिक्स कर देते हैं। मैंने पूरा बैटर इसके अंदर डाल दिया। जब बैटर मैंने इसके अंदर डाला, तब गैस की फ्लेम एकदम लो पे रखी थी। जितना अपने को आटा लेना है, उससे 5 गुना पानी अपने को ज़्यादा लेना है। तो मैंने यहाँ पर हाफ कप चावल का आटा लिया है, तो 2/2 कप पानी लिया। मेरे कप का नाप है 16 टेबल स्पून। आप कोई भी कटोरी या बर्तन मेजरमेंट के लिए सेट कर सकते हैं, उसके हिसाब से आप करें इसको। अभी मैंने जब तक उबाला नहीं आता तब तक मैंने हाई फ्लेम रखी है, आप फिर उसके बाद लो फ्लेम पर अपन इसको पकाएंगे। हैं इसमें उबाल आ चुका और ये थोड़ा उछलता है, तो इसको ढक्कन लगा के 5 से 7 मिनट इसको बीच बीच में चलाते रहें, इसको ढककर पकने देते हैं। इसको पकते हुए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। लो फ्लेम पर ही पकावे आप इसको, वरना ये तले पे चढ़ जाएगा और पकेगा नहीं। अभी ये एकदम परफेक्टली तैयार हो चुका है फ्राइम्स के लिए, बट अभी ये बहुत गर्म है, तो अपन गरम गरम के फ्राइम्स नहीं बना सकते। तो इसको 15 से 20 मिनट, जब तक ये गुनगुना नहीं रहे तब तक अपने को इसको ढककर ही रखना है। इसको आप बिना ढक्कन रखेंगे तो इसके ऊपर पपड़ी जम जाएगी, वो अपने को नहीं चाहिए, तो इसको ढककर इसको ठंडा होने दें। अपना ये बैटर ठंडा हो चुका है, जितना अपने को ठंडा चाहिए उतना ये हो चुका है नवाया। अब इसको अपन कलरफुल बनाने के लिए 3 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। मैंने 3 बाउल में अलग अलग कलर लिया। आपके पास जितने कलर है उतने कलर के आप बना सकते हैं फ्राइम्स। तो मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर लिया है, येलो कलर लिया है और ऑरेंज कलर लिया है। ये दो दो पिंच लगभग है। आप कलर पूरा लें अच्छे से, वरना थोड़ा कलर मिलाएंगे तो धूप में सुखाने पर वो कलर गायब हो जाएगा। जो अपन ने बैटर तैयार कर रखा है इसमें थोड़ा थोड़ा मिला देते हैं। ये आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है कलर मैंने मिक्स कर दिया। और रेड कलर थोड़ा सा बैटर बच गया था, उसके अंदर 1 पिंच रेड कलर भी मैंने मिक्स कर दिया। अब मैंने यहाँ पर इनको फिल करके बनाने के लिए, डिज़ाइन के लिए, ये इस तरीके से पाइपिंग बैग लिया है, उसको ग्लास पर सेट कर दिया। अब इसके अंदर फिल करते हैं। मैंने यहाँ पर ग्लास पर पाइपिंग बैग लगाया। आप चाहें तो नमक की थैली या कोई भी पाउच आता है दूध का, उसमें भी आप डालकर फ्राइम्स तैयार कर सकते हैं। अब अपन ने जो बैटर तैयार करा वो इसके अंदर फिल कर देते हैं। मैंने बैटर को पाइपिंग बैग में फिल कर दिया। अब पाइपिंग बैग का छेद कितना छोटा है बड़ा रखना, मैं दिखाती हूँ आपको। ऐसे किया फिर देख सकते हैं आप, ये अब इतना कट करना है क्योंकि सूखने के बाद ये और पतले हो जाते हैं। इतना रखना, आप देख सकते हैं ये सारों का इसी तरीके से कट कर लेते हैं। देख सकते हैं मैंने चारों को कट कर लिया। अब इनको अपने को जिस पे बनाना है, मैंने एक यहाँ पर मोटी प्लास्टिक की शीट ली है, आप इस तरीके की मोटी ले लें और इसको अब बनाते हैं अपन। यहाँ पर ये क्लिप लगाएं, आप चाहे तो रबर बैंड भी लगा सकते हैं। और सबसे पहले अपन ग्रीन कलर के बनाते हैं। आप चाहे जो डिज़ाइन बनाएं, मैं यहाँ पर पहले सर्कल वाला बना रही हूँ। इयररिंग्स बच्चों को बहुत पसंद आते हैं।
सकते हैं मैंने कितनी तरह की बनाई, ये वाले चिप्स की तरह बनेंगे और ये अलग अलग डिज़ाइन, आप चाहे जो डिज़ाइन बनाएं आप इनको अपन धूप में सुखा देंगे। इसी तरीके से मैं सारी तैयार कर लेती हूँ। ये अपने फ्राइम्स सूख कर तैयार हो गए। इसको सूखने में 7-8 घंटे लगे, अगर तेज़ धूप होगी तो 5-6 घंटे में ही सूख जाएंगे। आप देख सकते हैं मैंने बहुत तरह की डिज़ाइन बनाई है, ये इस तरीके से हार्ट वाली भी बनाई है ऐसी। ये सब सूखने के बाद बहुत पतले हो जाते हैं। अब मैं इनको कैसे फ्राई करना मैं दिखाती हूँ। अपना ये तेल गर्म हो चुका है, अब इसके अंदर कुछ फ्राइम्स डाल के इसको फ्राई कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कितने अच्छे फूले हैं, एकदम परफेक्ट बने हैं। अब आपको बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है, अब आप घर पे ही फ्राइम्स तैयार करके बच्चों को खुश करें और खिलाएं हेल्दी। फ्राइम्स बन के तैयार है, मैंने अभी आधे से भी कम फ्राई करे, ये देख सकते हैं आप इतने सारे मेरे पास बचे हुए हैं, थोड़े से फ्राइम से भरकर पूरी प्लेट बन चुके हैं। जब अपन ने सुखाए तब इसका साइज ये था और फूलने के बाद इतना बड़ा साइज हो गया, आप डिफरेंस देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे बनते घर पर और हेल्दी, अगर अपन ने घर पर तैयार करें तो हेल्दी, बच्चों को आप घर पर ही बना के दें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई लाइक शेयर और कमेंट करके बताएं। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।